नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। पिछले हफ्ते पंजाब के पटियाला में खालिस्तान समर्थकों और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई थी। सोमवार को हिमाचल में खुद को आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया इंचार्ज बताने वाले हरप्रीत सिंह बेदी ने खालिस्तान से जुड़े हुए खालिस्तान के समर्थन में कई सारे ट्वीट किए। और इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि खालिस्तान का जो मुद्दा है, जो शांत हो चुका था, क्या वो फिर से सर्वाइव होने की कोशिश कर रहा है, फिर से वो सिर उठा रहा है, फिर से पंजाब को सुलगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, खालिस्तान आज इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन चुका है और इस समय उसकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि पटियाला में हिंदू और सिख प्लस निहंग चेहरे एक दूसरे के विरोध में सामने क्यों आए। आखिरकार खालिस्तान का मुद्दा वहाँ किन हालातों में सामने आया। ये भी सोचने की बात है कि पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच टकराव उस दौर में नहीं हुआ जब खालिस्तान की मांग उठ रही थी, काफ़ी उग्र डिमांड थी उनकी और आतंकवाद का दौर चल रहा था। पंजाबवासी कभी भी सांप्रदायिक नहीं रहे। खालिस्तान ने उन्हें जो घाव दिए हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाया है, उन्हें भरे हुए काफ़ी समय हो चुका है। पंजाब में खालिस्तान किसी को भी नहीं चाहिए। ऐसे में पंजाब की ये जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, उससे जो इशारा मिल रहा है, जो संकेत मिल रहा है, उसे किसी भी लिहाज से शुभ नहीं कहा जा सकता। पटियाला के अगर घटनाक्रम पे नज़र दौड़ाएं तो पंजाब में सक्रिय शिवसेना बाल ठाकरे वाली, उसने खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने की योजना बनाई हुई थी। अब एक और खास बात और है जो समझना बहुत ज़रूरी है। पंजाब में कई तरह की शिवसेनाएं हैं, शिवसेना समाजवादी, शिवसेना राष्ट्रवादी, शिवसेना हिंदू भैया, शिवसेना अखंड भारत। इनका महाराष्ट्र वाली शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। यह पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं मुख्य प्रवक्ता संजय राउत भी साफ कर चुके हैं। उन्होंने इस बात को एक ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया था। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें 32 सिख और 8 हिंदू संगठनों के नेताओं की भूमिका जो है काफ़ी संदिग्ध सामने आई है। धरपकड़ जारी है। हिंसा का मास्टरमाइंड वजिंदर सिंह परवाना को कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री के मामले में अगर देखा जाए तो उनकी भूमिका कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी घटनाओं से पहले जो इनपुट सरकार के पास आते हैं, जो खुफिया रिपोर्ट होती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट पहले थी तो उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। पंजाब के साथ पूरे देश ने खालिस्तान का एक खौफनाक और जानलेवा दौर देखा है। पंजाब के शहरों की तंग गलियों से जो अलगवादी थे, नंगी तलवारें और रिवॉल्वर बंदूक के साथ भागते देखा करते थे, वहाँ के लोगों ने देखा। उस समय जाबाज पुलिस अफसर कंवरपाल सिंह गिल के लीडरशिप में पंजाब पुलिस ने ही खालिस्तान आंदोलन की कमर तोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया था। भिंडरांवाला सरीखे आतंकवादी को ढेर किया था। खालिस्तान आंदोलन ने इस देश को कई गहरे घाव दिए। आज भी बहुतों को उसकी टीस है। खालिस्तान आंदोलन ने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की हत्याएं की, लिहाजा अब कोई सोच या साजिश हो, हम खालिस्तान को करवट लेते देखना पसंद नहीं करेंगे। हमें उसे नहीं देखना है। खालिस्तान आंदोलन ने पंजाब को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक साथ साथ में जो वहाँ का एक सांस्कृतिक ताना बाना था, वो सब खालिस्तान ने डैमेज कर दिया।
खड़कों ने पंजाब के कई जाने माने मीडिया कर्मियों, कलाकारों, बुद्धिजनों के साथ साथ बहुत सारे मासूमों की जान ली। यही नहीं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया अपना। खड़गों के आतंक से डर के पंजाब से हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और देश के कई दूसरे राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गया था। हजारों बेकसूरों को आतंकवादियों ने मार डाला। पंजाब सीमावर्ती राज्य है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पंजाब ने लंबे समय तक राजनीतिक उठापटक और उथल पुथल भरा माहौल देखा है। बीते मार्च में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अभी वहाँ की बागडोर अपने हाथों में ली है। आपके सत्ता संभालने के एक महीने के अंदर ही पंजाब में खालिस्तान आंदोलन सिर उठाता हुआ दिख रहा है, हर कोई देख पा रहा है। पटियाला में जो कुछ भी हुआ वो पंजाब और देश के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसे माहौल में पंजाब की नई सरकार की बहुत बड़ी परीक्षा है, यूँ कहिए कि अग्नि परीक्षा है। पंजाब सीमावर्ती प्रदेश है, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर निगाहें सबसे पहले हमारे पंजाब पे रहती हैं। ऐसे में पंजाब से जुड़ा हर छोटे से छोटा मामला बहुत संवेदनशील और गंभीर प्रवृत्ति का होता रहा है। खालिस्तान आंदोलन के इतिहास पे अगर गौर करें तो ये जो मामला अभी हाल फिलहाल में हुआ है, इस मामले में कोई भी ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाक परस्त आतंकवाद अभी जिंदा है। खालिस्तान समर्थक नेताओं को पाकिस्तान में शरण मिली हुई है। कोई भी षड्यंत्र देश विरोधी साबित हो सकता है। ऐसे में पटियाला की घटना को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आखिर खालिस्तान का संदर्भ आया कहाँ से, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि कनाडा और लंदन में बसी खालिस्तानी ताकतों में जो उनका माइंडसेट है, वो भी ऐसी साजिशें कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा सुराग मिलता है तो देखने वाली बात यह है कि फिर अगला कदम क्या होगा। ये बेहद बेहद सेंसिटिव मैटर है, पंजाब की राजनीति के लिए भी, पंजाब की प्रजा के लिए भी, पंजाब के लोगों के लिए भी, पंजाबियों के लिए भी, वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए ये बहुत बहुत ही सीरियस मामला है। आखिर कौन लोग हैं, कौन हैं जो इस को हवा दे रहे हैं, ये जानने की बात है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।